मैं इस इंडस्ट्री से हूँ और इस इंडस्ट्री से मुझे बहुत मिला है, मैं किसी विशेष लोगों के बारे में कहूँ मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये शोभा नहीं देता, ये दुखद है। आप एक प्रहलाद जी जैसे व्यक्ति के लिए आप उसे जगह ही ना दें, जो आधा दर्जन सितारे प्रहलाद जी के माध्यम से इस फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, आप उसे मंच नहीं देंगे? दिस इज रॉन्ग। आई थिंक दिस इज समथिंग डिफरेंट वर्ल्ड वी आर वॉचिंग, एंड दिस इज मे बी दे आर नॉट रियलाइजिंग, बट दे आर इनडायरेक्टली डूइंग वेरी नेगेटिव जॉब, जो वो रॉन्ग टाइप के लोग करते हैं। इट्स नॉट गुड। ये यहाँ का माहौल है ही नहीं, ये फिल्म लाइन की ये परिस्थिति कभी नहीं है, मुझे लग मेरे देखे तो नहीं रही। जिस वक्त लोग कहा करते थे कि यहाँ पे उस टाइप के, इस टाइप के, ऐसे टाइप के, वैसे टाइप के लोग हैं, अब का माहौल बहुत अच्छा है, अब यहाँ पे एक भी रॉन्ग नहीं है, फिर ये क्या है? गोविंदा जी, हम लाइव हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, और वो समझ रहे हैं कि आपके साथ दिक्कत है, लेकिन वो जानना चाहते हैं क्या ये दिक्कत, ये पॉलिटिक्स आपके साथ फिल्म इंडस्ट्री के लोग कर रहे हैं खरे तौर पे, या फिर सरकार से आपको आपत्ति है? मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, मैं कभी ऐसा विषय चर्चा नहीं करूँगा, आज तक कभी किया भी नहीं, मैं चाहूँगा भी नहीं। मेरा ये सोचना है कि ये घर परिवार है ऑल ओवर द वर्ल्ड, परंतु ये ऐसा हुआ है, हो सकता है, पुनः मैं कहूँगा कि भाग्य का हिस्सा हो सकता है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं वो लोगों से जो इस तरह की क्रियाएं कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जो जैसा है उसके भाग्य पे उसे छोड़े। आप मंच प्रदान, आदरणीय प्रहलाद जी की फिल्म, और आप उसे सेंसर का टाइम नहीं दे रहे हैं, उसे डेट्स नहीं मिल रही है। ये तो तब भी नहीं हुआ जिस वक्त लोग कहा करते थे कि यहां पे डिफरेंट टाइप के लोग हैं, ये तब भी नहीं हुआ। क्षमा चाहता हूं मैं उन लोगों से जो शायद इन सब चीज़ों के पीछे है, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि यह माहौल बदलें, और मेरी बाकायदा ईश्वर से यह प्रार्थना है, मैं खुदा से यह दुआ करता हूँ कि उन लोगों के पे वो नज़र करें, देखें उस तरफ कि भाई ये क्या है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई, दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ बैड।